ब्रजभूषण तो उस पर कार्रवाई किस तरह करेगी, क्योंकि वो एक सरकार का दल्ला है अगर सर, क्योंकि ब्रजभूषण जैसा खुद सकल था मैंने एक बहुत बड़ा गुंडा लागा हकीकत में, उस में सबके साथ ये कानून बराबर है, कौन सा क्या ब्रजभूषण कानून से भी ऊपर हो गया मैं पूछना चाहवा, क्योंकि गुंडे निकम्मे घटिया सबसे जो देश का निकम्मा इंसान है वो बीजेपी का एमएलए मंत्री है। कम से कम 1000 के 2-3 हजार बेबिया का शोषण कर पाओगा, और इंसान के पास मोदी के योगी के काले चिट्ठे है, अगर ये जेल में गिर दे तो इनके साथ काजू बदाम कुआ कुआ के पैर रखेंगे, फिर वोट दे के पाड़े मां मैंने कहा सब तय भाई इन पर काम ले लो, काम लेकर इनका पाछा जूत मारियो, पर और पूरे समाज तय भाई इन्हें अपने सुतरी डैल बांध दो, गरम नजर बंद कर दो, मैं तो यूपी वाले ते भी कहूँ, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान तक कहूँ भाई है बीजेपी सरकार का पत्ता साफ करना। हरियाणा 40 किलो एक गाड़ी में घूमे गई 10 दिन, सिर्फ एक आकर एक फीम का दाना भी आदमी ले रहा नहीं, उसकी जब चेकिंग हो जाए, और वह 40 RDX 10 दिन गाड़ी में घूमे गया सरकार। पूनम जी लगातार हमारी महिला खिलाड़ी दिल्ली चंकर मंत्र पर बैठी है और खिलाड़ी चीख चीख कर कह रही है कि हमारे साथ दुराचार किया गया, लेकिन फिर भी क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती हमारी बेटियों के न्याय दिलाने? सरकार कार्रवाई जब कर लेती है, जब सरकार का खुद के अगर उसका बाण बेटी होंगी उसने खुद का दर्द पता होता, आज उसका अगर कोई बाण बेटी उसने किसी की दूसरी बाण बेटी का के दर्द समझ में होगा, ब्रजभूषण तो उस पर कार्रवाई किस तरह करेगी, क्योंकि वो एक सरकार का दल्ला है, अगर सरकार ने पता चल गया भी ब्रजभूषण गिरफ्तार कर लिया तो उसकी पोल पट्टी जो उसके गुंडे काम है जो वे काले का काम करके उसने वे सारे उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए सरकार उसने गिरफ्तार नहीं कर रही। अगर सरकार नहीं अगर यह होंगी भी आप एक आम नागरिक पर देखो अगर ऐसा केस लग गया आम नागरिक के जब FIR होने के बाद जब उसने गिरफ्तार कर लेंगी, लेकिन उस ब्रजभूषण ने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं उसकी, तो कौन सा कानून है कौन सा संविधान अपने समाज में, अगर कानून सबके साथ बोले भी अपने समाज में सबके साथ ये कानून बराबर है, कौन सा क्या ब्रजभूषण कानून से भी ऊपर हो गया मैं पूछना चाहवा, क्योंकि एक समाज खातर तो हर कानून संविधान लागू है और जो ये मंत्री बैठे इनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू, हम सिर्फ ये सरकार से यह बात पूछना चाहूँ क्या ये सिर्फ हमारे आम आदमी पर ये चीज लगे हुए इसका जो बड़े मंत्री MLA इन पर कोई समाज का कोई कानून का कोई कुछ नहीं लगता। मैं तो देखो उन बहन बेटिया का बहुत दिल तय धन्यवाद करना चाहूँ, उन बहन बेटिया ने आवाज उठाई, क्योंकि ब्रजभूषण जैसा खुद सकल था मैंने एक बहुत बड़ा गुंडा लागा हकीकत में, उसने तो कम से कम 1000 के 2-3 हजार बेबिया का शोषण कर पाओगा, और इन बेटिया का बेबिया का दिल में कहा करे जिसमें किसी चीज का जुनून होया करा कुछ करना है, क्योंकि ये बहन बेटी किसी आवाज ने भी दाब सके थी, लेकिन इन्हें किसी की आवाज को भी आप आने वाली जो अपनी नस्ल है वे भी खेल ग्राउंड में खेले उनको भी बचाने खातर इन बहन बेटिया ने एक कदम उठाया है। बीजेपी सरकार गुंडा की सरकार है सिर्फ यार नाम खातर को अभी मैं भी विकास करवाऊँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दवा ये सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ एक पब्लिसिटी खातर और कोई इलाज नहीं इनका, सिर्फ इन्हें तो लोगों का मतलब बढ़िया कपड़े पहनने और फोटो खिंचवानी पब्लिसिटी तो मतलब है, अगर ये ऐसा काम करा तो आज ब्रजभूषण जेल में होता, क्योंकि उसने इसके ब्रजभूषण के पास मोदी के योगी के काले चिट्ठे है, अगर ये जेल में गिर जाए तो इनके सारे काले चिट्ठे उजागर हो जाएंगे दुनिया का सामना, नहीं तो ये आज तक गिरफ्तार ही नहीं हो जर। पूनम जी अगर बात करें मोदी जी लगातार निकम्मे घटिया सबसे जो देश का निकम्मा इंसान है वो बीजेपी का MLA मंत्री है, यह तो साबित होगी। पहला तो हमारा हरियाणा में उठा था ये मामला संदीप आला ब्रजभूषण आला, तो भाई 100% के 200% साबित होगी भाई सबसे निकम्मी घटिया सरकार बीजेपी सरकार साबित कर देती। तो सरकार निकम्मी घटिया लगातार कौन भी है गाड़ में देखो उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद भी जब ग्रामीण स्तर पर इनके नेता या कोई प्रोग्राम हो रहा फिर भी जुट जाए की मानो आप मेरी बात सुन भाई, हमने लोग अपने सियाने हो गए, वो छोटू राम ने कही थी जो बात अपने दिल में बिठा ली इन दिन हो रहा है इमाम इनू भी कहाँ जो भाई इनते जुड़ रहे हैं जिनके तीन खतर सारे अपने ढूंढ फूक दिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इनका पाछा इन दिन काजू बदाम खुआ खुआ के पैर रखेंगे फिर वोट दे के पाड़े माँ मैंने कहा सब तय भाई इन पर काम ले लो, काम लेकर इनका पाछा जूत मारियो, इन दिन 2024 में इनका जूत मारने हैं, इवें अपने जो सियाने आदमी है नी वह तो भाई इन पर काम ले लग रहे हैं, जो भाई साफ दिल के जो भोले इंसान है वह अपने सड़कों पर बैठे हैं, और मैं तुम्हें कुछ सही है वह भी मारे भाई हैं जिनके काम बनते हों, और भाई इन पर काम लेकर इनका जूत मारियो और बुंडले जूत मारियो।
नहीं भाई, मैं छत्तर गाँव की थी, खटखड़ की नहीं, छत्तर गाँव की महिला थी मैं। उन्हें भी अपना कोई एप्लीकेशन देवे थी, ज्ञापन देना थी, फिर इस तरह बढ़िया सरकार कड़ा पावे थी भाई, जो माँ बेटी अपनी 80-80 साल की बुढ़िया उन्हें ज्ञापन देवे, इनकी ज्ञापन लेने से भी डर लग गया है, और उन्हें भीतर थाना में बंद कर दी। मैं तेन कोई इसी ये दूसियाँ चटाला ना शर्म आनी चाहिए, इतनी बढ़िया सरकार ना बनावे, लोग इस तुम छिक लें, इसकी इतना गलत काम कर कल मामले तो नू भी मेरा पटिया वह माँ बाण है कड़े मेरा बाद में पटे हैं, उनके घर क्या नहीं मेरा नो बता, इन पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तेनों कहूँ ऊपर और पूरे समाज तय भाई, इन्हें अपने सुतरी डैल बहन दे दो, घराम नज़र बंद कर दो। मैं तो यूपी वाले भी कहूँ, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान तक कहूँ भाई, जे आपने बीजेपी सरकार ये घटिया दरिंदे आदमियों का लिहाज करना है तो इनकी घराम नज़र बंद करके ना, इनकी बैर ना निकलने दो, या पहला 13 महीने वाला काम कर दो, घराम बंद कर। मैंने कहूँ भाई 25 तारीख ने आज जोड़ के अपील है मेरी माता भी बहन तय, और हमारी खासकर युवा बेटियां तय भाई, हमारी बेटियां का समझ मानी चाहिए ये बात, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, और ग्राउंड पे जाने खातर कितना बेटी ने नो सोच लो कितना अत्याचार सहना पड़े। मैं मेरी बहन बेटियां तय अपील करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खटखड़ टोल पर पहुँचियो, जो हमारे देश का गौरव है, और जो मैं बहन बेटी तमने बात बताऊँगी तारे आने वाले टाइम में तारे काम आवेंगी भाई, तमने उनके विचार सुनियो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी जवान बेटियां ने लेके ना खटखड़ टोल पाइयो, जो हमारी उन तक मिलेंगी तो उन बेटियां ने आगे का जीने का रास्ता। लास्ट क्वेश्चन ये है जी, क्या 2024 में जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा जी? भाई इससे ज़्यादा पड़ेगा, नू सोच लिया हमने तो इनका पत्ता साफ करना है, बीजेपी सरकार का पत्ता साफ करना है, हरियाणा में तो करना ही करना है, पूरे हिंदुस्तान में तो करना है, ये आरएसएस के ऐसे गंदे लोग हैं, इनकी हमारा देश बेचने का काम करे। 25 महीने अगर कोई हटाया प्रशासन डालती है तो महिलाओं की क्या रणनीति भाई? सत्यपाल मलिक भी आवेगा, तीनों खिलाड़ी भी आवेंगे, कार्यक्रम भी बढ़िया होगा, ये हमारा दुख का कार्यक्रम है, ये कोई हमें चाव में नहीं कर रहे हैं, और हालत में सरकार तक टकराने खातर यह महिला शक्ति तैयार रहेगी। सत्यपाल मलिक ने एक बात बोली थी कि पुलवामा जो हमला है उसकी जांच करी जाए, देखो ये बात तो इसने अपने सत्यपाल मलिक ने जी ने अब बोली है, लेकिन मामी भी पहले इतने सियाने हो गया क्योंकि समाज का हमने मेरी सरकार का पता चल गया उस टाइम पे, जब ये अपने एक बताओ 40 RDX पता नहीं है 40 किलो एक गाड़ी में घूमे गई 10 दिन सरकार के पे खुद, मैं जुकर मेरे श्रीनगर पेपर भी थे, मैंने खुद वहाँ क्या लाद देर के वहाँ पे सिर्फ एक आकर एक फीम का दाना भी आदमी ले रहा नहीं, उसकी जब चेकिंग हो जाए, और वह 40 RDX 10 दिन गाड़ी में घूमे गया, सरकार का एक षड्यंत्र था। अरे तो सरेआम दिखा जब इलेक्शन होया, सरकार अपने सैनिकों ने अपने जवानों ने मरवावे इनका कुछ नहीं, जब इनके बेटे बॉर्डर पर मरेंगे जब हम पूछेंगे, लेकिन इनका तो क्या करें ना, इनका बेटी ना बेटा इन्हें किसी का दूसरा का, इन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी तक मतलब, इन्हें कोई से और मतलब नहीं।